हाँ, ये मिनिएचर आज का फादर्स डे स्पेशल है, तो ये मिनिएचर बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसे बना सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप बताने की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका फेस मेकिंग का जो वीडियो है मैं पहले एक पार्ट में डाल चुकी हूँ, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है, और अब मैं आप लोगों को बाकी के बॉडी का मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि मैंने इतना ही बनाकर छोड़ दिया था, और मेल और फीमेल का डिसाइड नहीं कर पाई थी, इस वजह से मैंने इतना ही छोड़ा था। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे मेल बनाऊंगी और एक फादर का लुक देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके का सबसे पहले बाल बना देती हूँ। ये वाइट वाइट बहुत सारा फेविकोल है, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दें, ड्राई होने के बाद काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मालूम भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं पहले हेयर बना लेती हूँ। ये नॉर्मल एयर ड्राई क्ले है, तो कई बार ये क्ले ड्राई होने के बाद धीरे धीरे निकलने लगता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पे फेविकॉल लगाया है। तो इस तरीके से फेस तैयार हो गया है, तो मैं इसे कट कर देती हूँ नीचे की साइड से और लास्ट में इसे फिक्स करूँगी। तो सबसे पहले ये थोड़ी बहुत जो हेयर की डिज़ाइन है पीछे में इस तरीके से एक टूल की मदद से डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो नीचे का एरिया दिखेगा उसे मैं काटने वाली हूँ, बिल्कुल गर्दन के ऊपर के साइड से मैं कट करूँगी, जैसा कि इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने फेस बिल्कुल तैयार कर लिया है और थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे कर देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने शार्प नाइफ से इस तरीके से उस पर टेक्सचर दिया है, जो कि बिल्कुल बाल की तरह लगे। उसके बाद मैं यहाँ पर, ये पूरा फेस तो तैयार हो ही चुका है, तो मैं यहाँ पर एक यूपी बिहार साइड में इस तरीके का पगड़ी बांधा जाता है, तो मैं उस तरीके का ये लुक देने जा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं क्ले को चिपका देती हूँ, और गांठ तो मारना मुश्किल है, तो यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा गांठ वाला मैं लुक क्रिएट कर देती हूँ, जो कि देख सकते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल कपड़े की तरह नजर आए, उसके लिए मैं हल्का सा इस तरीके से नाइफ से टेक्सचर दे देती हूँ, ताकि ये कपड़े का लुक नजर आए। उसके बाद ये जो लटका हुआ है उसे भी इस तरीके से डिजाइन बना देती हूँ, क्योंकि बाकी हिस्सा इस तरीके से लटका रहता है। तो अब चलते हैं बाकी का बॉडी पार्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक एल्युमिनियम वायर का यूज़ किया है, तो यहाँ से हल्का फुल्का हम शेप दे लेंगे, ताकि हमें जो भी स्टैचू खड़ा करना है वो काफ़ी आसानी से खड़ा हो सके। तो कुछ इस तरीके का मैंने शेप बनाया है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं शेप बनाकर इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगाऊंगी। आप चाहें तो न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर भी हल्का गीला करके लगा कर चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल से काफ़ी अच्छे से लग जाता है, बहुत आसानी से। उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फेविकॉल लगा देती हूँ, ताकि क्ले लगाऊँ तो काफ़ी अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद बहुत आसानी के लिए आप लोग इस तरीके से चपटा करके ऊपर से लगाएंगे, तो बहुत ही आसानी से ये लग जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं पूरी बॉडी को इस तरीके से कवर कर देती हूँ, और उसके बाद मैं ऊपर ड्रेस लगाऊंगी जो भी कलर का मुझे चाहिए होगा। तो यहाँ पर मुझे अभी खड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे पास इस तरीके का कुछ जुगाड़ मिला, तो मैंने इसे खड़ा कर दिया है। और ये हल्का फुल्का जो ड्राई दिख रहा है, आप लोग इस पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि ये क्ले थोड़ा सा वैसा बनी गया है, जो कि काफ़ी लाइंस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक पाँव का लुक दे देती हूँ दोनों तरफ से, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं दे रही हूँ। इसी तरीके से दूसरे पाँव को भी मैं बना लेती हूँ। पैर बनाने के बाद मैं एक जूते का भी लुक देने वाली हूँ, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। अगर इस तरीके से रखेंगे तो हमें काफ़ी सारी फिंगर पे भी डिटेलिंग देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर मैं इस तरीके का नॉर्मल सा एक जूता टाइप बना देती हूँ। इसी तरीके से मैंने दूसरे में भी बना दिया है। और अब चलते हैं ऊपर के पैंट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो, इस तरीके से हमें लेके चिपकाना है, और जो पीछे की साइड में एक्स्ट्रा क्ले बचा है उसे हमें कैंची से कट कर देना है, और ये आगे का भी बचा हुआ कट करना है, और हल्का सा फेविकॉल लगाकर उसे चिपका देना है, और चिपकाने के बाद जो एक्स्ट्रा ऐसे रफनेस दिख रहा है उसे भी हमें कट करके निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे काट देती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी जो एज काफ़ी अजीब सी दिख रही है उसे भी हम हल्का सा चिकना कर देंगे, और मैसअप कर देंगे, इसी के अंदर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमें थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ डिज़ाइन भी देना है, बिल्कुल प्लेन नहीं रखना है। वैसे तो हमें ऊपर के साइड में इस तरीके से मैंने बेल्ट भी लगा दिया है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी उतना हाइट देकर आप डिज़ाइन बना सकते थे, लेकिन कम पड़ गया जिसकी वजह से मुझे लगाना पड़ा। और यहाँ पर मैं एक टी शर्ट बना रही हूँ, आप चाहें तो शर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं टी शर्ट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने
सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है कि आप इस तरीके से टी शर्ट बना सकते हैं। ऊपर की साइड जो एक्स्ट्रा बचा है उसे कट कर देंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पीछे की जो लाइंस थी उसे भी हल्का सा मिक्स कर देंगे किसी बारीक टूल से तो मिक्स हो जाएगा, तो ये आगे काफ़ी अच्छा क्लीन दिख रहा है। तो हमें बाद में यहाँ पॉकेट लगाना है, अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरीके से थोड़ा सिकुड़ा हुआ डिज़ाइन भी डालना है ताकि थोड़ा सा ये फैब्रिक वाला लुक आए। तो यहाँ पे जो टी शर्ट भी मैंने बनाया है वो बिल्कुल गोल नेक का बनाया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। गोल गला इसका कट कर देती हूँ। उसके बाद कुछ डिज़ाइंस होते हैं गोल गले वाले टी शर्ट में, तो इस तरीके से मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद मैं थोड़ा यहाँ बाजू बना देती हूँ, और किस तरीके से हमें टी शर्ट के साथ बाजू चिपकाना है वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बहुत नॉर्मल सा ही मैंने बाजू बनाया है, काफ़ी डिटेलिंग नहीं दी है। और इस टाइप का हाथ बनाना तो काफ़ी आसान होता है, कोई भी बना सकता है। तो इस तरीके से कुछ फिंगर का मैं जस्ट हल्का सा डिज़ाइन देने वाली हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मैंने हाथ को बना दिया फटाफट से, काफ़ी कम समय लगा, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरे हाथ को भी मैं तैयार कर देती हूँ। और ऊपर की साइड में बचे हुए क्ले का मैं लगाने वाली हूँ, जो कि टी शर्ट से मैच करेगा, और टी शर्ट में कहीं बचा हुआ है पे हाफ टी शर्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके का डिज़ाइन दे दिया है। थोड़ा सा मुझे बाजू बड़ा करना चाहिए था, लेकिन क्ले इतना ही ये बचा था इस कलर में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने बाजू को चिपका दिया है, और ऊपर की साइड में ये काफ़ी लंबी गर्दन वाला पार्ट निकला है तो इसे मैं कट कर देती हूँ। और जो सर वाला पार्ट है उसके अंदर नीचे मैं छेद करूँगी और इसको घुसाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ, इतना लंबा चलेगा, काफ़ी अंदर ये घुसा देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं हल्का सा होल करूँगी, अंदर एल्युमिनियम फॉइल है तो बहुत आसानी से होल हो जाएगा। तो हल्का सा क्ले को कट कर देती हूँ और वहाँ पे होल बना देती हूँ। उसके बाद अंदर फेविकोल डालकर मैं चिपका दूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने फटाफट से उसे घुसाकर चिपका दिया है। तो यहाँ पर ये फादर बनकर रेडी हो चुके हैं, अब इन्हें हम साइड में करते हैं और बनाते हैं, चलिए आगे का। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ही चुभा कर रखने वाली हूँ, ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ है तो हल्का ड्राई होता रहेगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा से एक क्ले लेती हूँ और बहुत ही आसानी से मैं एक छोटा सा बेबी बनाना सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से क्ले को बनाना है, करते जाना है, हाथ से रोल करना है, और इसी में आप लोगों को दो पाँव का शेप दे देना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ही हल्का सा नॉर्मल सा वहाँ पाँव बना देना है। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल नहीं दे रही हूँ, डिटेलिंग देने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और समय भी लगता है, तो मैं काफ़ी आसान तरीके से बता रही हूँ जो कि फटाफट से बन जाए। तो यहाँ पर हल्का सा जस्ट हमें शेप देना है और इस तरीके से पाँव को आगे झुका देना है। और एक बार यहाँ ट्राई कर लेते हैं कि ये कंधे पर आसानी से बैठ सकता है कि नहीं, क्योंकि जो मैं बच्चा बना रही हूँ वो कंधे पर बैठा हुआ है, तो इसलिए मैंने एक बार चेक कर लिया है। उसके बाद मैं एक छोटा सा वायर लूंगी और उसमें एल्युमिनियम फॉइल इस तरीके से चिपका देती हूँ ऊपर का पार्ट में, थोड़ा सा हार्डनेस दूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं करके इस वायर को घुसा दूंगी, बहुत आसानी से नीचे घुस जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर क्ले ही लगा देती हूँ एक ही बार में। तो यहाँ पर इस तरीके से जैसे मैंने फादर के ऊपर लगाया था वैसे इसमें भी इस तरीके से क्ले लगा दिया है, और यहाँ पर मैं उसे फेविकोल लगाकर कमर पे चिपका देती हूँ। तो ये देखिए आप लोग कितना फटाफट से ये आधी बॉडी तैयार हो चुकी है, सिर्फ हाथ और सर बनाना बाकी है। तो इस तरीके से हाफ बॉडी तैयार हो चुकी है, सिर्फ ड्रेस पहनाना है। तो यहाँ पर बच्चों के ड्रेस के लिए मैंने डार्क कलर का ही डिसाइड किया है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कलर है इस डब्बे में। तो यहाँ पे मुझे डार्क ऑरेंज कलर मिला, तो चलिए ऑरेंज कलर का ही यहाँ टी शर्ट बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे उसी तरीके से पतला बेल लेती हूँ एक छोटे से बेलन की सहायता से। तो यहाँ पर मैं टी शर्ट पहनाने ही वाली थी, तब तक से याद आया कि मुझे सबसे पहले नीचे का पैंट पहनाना चाहिए ताकि ऊपर से टी शर्ट हम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग रहेगी। तो यहाँ पर मैंने बना दिया है इसका पतला लेयर, लेकिन फिर भी मैं अभी पैंट बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर का पैंट बनाने का सोचा है, तो चलिए इसको भी फटाफट से मैं पतला बेलन से बेल लेती हूँ। तो पहले जितना हमें लेंथ नीचे चाहिए पाँव में उतना हम चेक कर लेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा रही हूँ। पूरी कोशिश की है मैंने आप लोगों को थोड़ा आसान तरीके से समझाने की। तो इस तरीके से मैंने बड़े वाले भी स्टैचू में लगाया था, वैसे ही सेम
इसमें भी लगा रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम काट देंगे तो झटपट से ये पैंट तैयार हो जाएगा। वैसे तो ये काफ़ी लंबा है और ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे 3/4 पैंट बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं हल्का सा कैंची डाल के इसके अंदर से बहुत केयरफुली इस तरीके से कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये साइज़ कितना परफेक्ट और सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से दूसरे पाँव का भी मैं काट लेती हूँ। छोटे बच्चे में इतने ही साइज़ का पैंट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से मैं दूसरे को भी बना देती हूँ, उसी तरीके से कट करके हाफ बना देती हूँ। और उसके बाद मैं ऑरेंज कलर का जो मैंने कट करके रखा है उसका टी शर्ट पहना देती हूँ। उससे पहले मैं हल्का सा फेविकॉल लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ मैं बहुत छोटा सा ही मैंने होल तैयार किया है और आगे के साइड में मैंने ज़्यादा होल को आगे किया है ताकि आगे से थोड़ा बड़ा और पीछे थोड़ा छोटा दिखे। और उसके बाद मैंने चारों तरफ से इस तरीके से काट लिया है और हल्का सा फेविकॉल लगा के फाइनल कटिंग कर देती हूँ। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने बड़े वाले स्टैचू में किया था। तो बड़े स्टैचू में मैंने सारे जॉइंट्स को पीछे रखे थे और उसको मिक्सअप कर दिया था। और यहाँ पर मैंने दोनों साइड में किया है और दोनों साइड इस तरीके से कट करके हम वहाँ पर भी मिक्स कर सकते हैं ताकि उसकी लाइन्स पता ना चले। तो यहाँ पर मैं हल्का सा क्ले बचा है तो बाजू पर भी लगा देती हूँ बिल्कुल उसी की तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं छोटे छोटे दो हाथ बना लेती हूँ फटाफट से। ये बहुत ही नॉर्मल से हाथ है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इस तरीके का हाथ बनाने में। और बिल्कुल वैसे ही इसे भी बाजू पर मैंने कपड़े को चिपका दिया है, कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो साइड का ये बचा हुआ कपड़ा मैं काट देती हूँ और उसके बाद चिपका देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वायर का इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्ट फेविकॉल लगा कर मैं चिपका देती हूँ। तो यहाँ पर लगभग एक नन्हे मुन्ने बच्चे का बॉडी पूरा तैयार हो चुका है और सिर्फ फेस बनाना बाकी है। यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेती हूँ ये किस तरीके से बैठ रहा है। तो यहाँ पे ये परफेक्टली बैठ जा रहा है, इसका पाँव हल्का सा झुकाना है। तो चलिए अब यहाँ पे ऊपर का पार्ट मैं यानी सर बना लेते हैं। तो यहाँ पे झटपट से हम इस तरीके से इस पर क्ले लगाएंगे और छोटा सा एक फेस बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा फेस मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ, बिल्कुल मेहनत नहीं है। इस तरीके से हल्का सा हम निशान लगा देंगे, हल्की सी नाक को उभार देंगे और उसके बाद जो आंखें हम बनाने वाले हैं बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे इस तरीके से बंद आंखें बनानी है, जैसे कई बार हंसते हुए हमारी आंखें बंद हो जाती है उस तरीके का हम शेप देंगे। तो ये छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल काफ़ी खुश है और हंसते हुआ इसका फेस है, जिसकी वजह से इसकी आंखें बहुत ही बंद जैसी है। तो यहाँ पर एक छोटा सा हंसता हुआ मुँह भी बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से ही मैं हल्का सा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो धीरे धीरे हम यहाँ पर एक अच्छा लुक क्रिएट करने वाले हैं जो कि बहुत ही हंसता हुआ दिखाई पड़े। तो अभी ये बच्चा हंसता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलिए आँख पे कुछ काम कर लेते हैं। आँख काफ़ी धंसी हुई अंदर दिख रही थी तो हल्का सा हम इसे उभार देते हैं, क्योंकि आँखें बंद है तो हल्की सी उठी हुई जरूर दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना आसानी से यहाँ आँख बन चुका है और अब ये लगभग तैयार हो चुका है, इसमें कुछ बाकी नहीं है। और यहाँ फेस पर थोड़ा सा यानी माउथ पर काम करना है जो थोड़ा हंसता हुआ नज़र आए। तो बिल्कुल इस तरीके से हम हल्का सा ऊपर में ऐसे करते जाएंगे तो वो बिल्कुल हंसता हुआ नज़र आएगा। और साइड से इस तरीके से मैंने जितना मुझे क्ले इसके फेस पे चाहिए था उतना यूज़ करके बाकी मैंने उसके शेप को हटा दिया है। और ये देख सकते हैं एक बहुत सुंदर सा क्यूट बच्चे का परफेक्ट शेप बन चुका है। और मेरे हिसाब से तो रही इसका ये फेस अब हंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वैसे मैंने कई बार इसके माउथ को बनाने की कोशिश की है। तो चलिए यहाँ पे एक सुंदर सा हम इसे टोपी पहना देते हैं, हम इसमें बाल नहीं लगाने वाले हैं। तो देख सकते हैं कितना आसान हो जाता है अगर हमने बाल को स्किप कर दिया और यहाँ पे टोपी पहना दिया। तो इस तरीके से मुझे उसके साइज़ का डब्बा नहीं मिला तो मैंने छोटा ही कट करके और आगे से इस तरीके से एक अच्छा सा गोल सर्कल शेप ले लिया है और इस तरीके से फेविकॉल लगाकर मैं इसे चिपका दूंगी। और देखिए यहाँ पे सारी मेहनत हमारी ख़त्म हो जाती है बाल बनाने वाली, और इसको बहुत अच्छे से चिपका देंगे ताकि मालूम चले कि ये बच्चा टोपी पहना है और अंदर बाल भी है। और गर्दन को इस तरीके से कट कर देते हैं क्योंकि हमें उस बनाए हुए स्टैचू के हाफ पार्ट पर लगाना है। तो यहाँ पर ये इसका सर भी बनकर तैयार हो चुका है और ये आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर हम चिपका देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अच्छे से फिक्स होने के लिए पॉलीथीन रैप किया था, आप लोग देख सकते हैं, ताकि हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो शेप में आ जाएगा। और अब मैं यहाँ पर सर को चिपका देती हूँ और हल्का सा सर को उठा के रखूँगी ताकि वो बच्चा पीछे की तरफ हल्का सा झुका हुआ हो हंसते हुए, एक अच्छा सा लुक भी आना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ चिपका देती हूँ और आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को फादर का लुक अजीब लगेगा क्योंकि हाथ आगे की साइड में है जो कि ऊपर की साइड में होना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ और सोचा था और कुछ और बना दिया जिस वजह से ऐसा हुआ है।
तो यहाँ पे जो बच्चा है उसका कुछ मैं टचअप करूंगी। यहाँ पे मैंने मेकअप किट जो होता है उसे हल्का फुल्का मैंने ब्रशिंग किया है, जैसे लिप्स को हल्का सा पिंक कर दिया है, और ये आँख पे इस तरीके से बंद बिल्कुल परफेक्ट नज़र आए, इसलिए मैंने पेन का इस्तेमाल करके यहाँ पे आँख का भी शेप दे दिया है ताकि वो बिल्कुल बंद नज़र आए। तो यहाँ पर थोड़ा कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है परफेक्ट शेप देने के लिए, काफ़ी मैं धीरे धीरे करती हूँ। और यहाँ पर अब लास्ट आईब्रो बचा है तो वो भी कंप्लीट कर देती हूँ। बच्चे का हाथ मैंने इस तरीके से करके ड्राई कर दिया है ताकि मैं वहाँ पे बहुत आसानी से उसे फिक्स कर सकूँ। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर टी शर्ट काफ़ी प्लेन दिख रहा है, बच्चों का टी शर्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, तो मैं कुछ यहाँ डिज़ाइंस भी बना देती हूँ ताकि टी शर्ट रियल लगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने टी शर्ट को तैयार कर दिया है और अब ये फाइनली एकदम तैयार हो चुका है चिपकाने के लिए। तो यहाँ पर मैं कंधे पर चिपकाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने फादर वाला स्टैचू बनाया है वो किसी और पर्पज से मैंने बनाया था जैसा कि बताया, तो हाथ काफी खाली खाली लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने कॉर्न के छिलके से एक सुंदर सी टोकरी बनाई है जिसे मैं इस तरीके से पकड़ा देती हूँ, और इस सुंदर सी एक छोटी सी बिल्ली है तो इसमें डाल देती हूँ। और अब जाके थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है, हाथ खाली खाली नहीं लग रहा है। और यहाँ पे मैं बच्चे को कंधे पे अच्छे से बैठा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से परफेक्ट एक लुक लग रहा है। आप लोगों को ये कैसा स्टैचू लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।